समिट डे सफल में एवरेस्ट बेस कैंप कर दिखाया। क्लैप क्लैप क्लैप। मेरा 2 साल से एक ही सपना रहा है, जितना भी मैं ट्रैवल करूं, बस एक बार सबसे ऊंचा पहाड़ में जाके अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकूं। मैं सिर्फ ये फील करना चाहती हूं कि आया तो हम सब पहाड़ों से ही है, और फिर पहले पहले लोग सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनते थे। हालांकि मैं उस जेनरेशन से नहीं हूँ, बस एक बार आई वॉन्ट टू रिलीव दैट मोमेंट। जैसे तैसे वीडियो तो शूट कर लिया, पर उसके बाद जो बीमार हुआ ना गाइस, ऑक्सीजन लेवल कम, मेरा हार्ट बीट भी कम चल रहा है, और मैं फ्रीज होने वाली थी अगर मैंने टाइम में दवा नहीं लिया होता ना गाइस। सोच लो मैं क्या हो जाती अभी तक। ऐसा पागलपन अपने ही रिस्क में करना गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू गाइस आर वॉचिंग वो व्लॉग्स। आधा लोग चला गया है ऊपर व्यू पॉइंट, और मैं इधर ही हूँ, हमारा होम स्टे स्नोलैंड रिसोर्ट। और ऊपर एक व्यू पॉइंट है, कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए। देखो गाइस, गोक्यो लेक। सी सूर्य क्या कर रहा है, सुबह सुबह जॉब पे लग गया। दो दो दो, मैं करता हूँ। हार्ड लाइक अ रॉक। वो 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 नीचे नीचे पैर में, ये देखा, ऐसे कुछ होगा ही नहीं। इस वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम गोक्यो लेक टू थांगनाथ। कहने के लिए तो सिर्फ 2 घंटा का जर्नी है, पर हमको आधा दिन लग सकता है, क्योंकि हम ग्लेशियर से चल रहे हैं, रास्ता ऊपर नीचे, और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम। मुझे ये जगह देख के ऐसा लग रहा है वो कैलाश पर्वत टीवी में दिखाई देता है ना सुजय, वैसा ही लग रहा है। गाइस कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, दिखा रही हूँ, जहाँ तक मेरा GoPro, जहाँ तक मेरा हेल्थ साथ देगा, वहाँ तक मैं दिखाती रहूँगी। लो को थाकी रहा एक से यहाँ। सुजय को आवाज निकली सही सा, ठीक है। मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिला हुआ है बॉडी का, सांस तो आ रहा है पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल नहीं रहा है। एक बार पूछा जा रहा है, एक बार ऐसे कैसे लगी है ट्रैक तबले, एकदम हार्ड, डू और डाई, डू और डाई। हीरो ठीक सा बबल हीरो ट्रैकिंग में निकलते हैं, उन्होंने पर्सन ट्रैकिंग स्वा स्वागत है, ठीक है, उन्होंने पर्सन मजा तो दामी लगे, मजा आए एडवेंचर। मैं अभी पहाड़ चढ़ने वाली हूं, वो भी वन गो में। अगले 2 दिन में हमारा समिट है, बस अब हमारा यही काम है कि एनर्जी सेव करो, क्योंकि जितना भी हम ऊपर जा रहे थे, हम देख रहे थे दूसरा ग्रुप का कुछ ट्रैकर्स वापस हो रहे हैं, उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिर्फ हम चाहते थे कि हमारा टीम में सही सलामत पहुंचे। आज थांगनाथ पहुंच के हमको सिर्फ रेस्ट करना है, क्योंकि कल गाइस सबसे हार्डेस्ट ग्लेशियर छोला पास क्रॉस करना है। Hey guys, welcome to my channel. You guys are watching food vlogs. As day 9th, हम जा रहे हैं थांगनाथ टू जोंगला। आज सबसे सबसे डेंजरस रूट और डेंजरस रास्ता पार करना होगा हमको, विच इज चोला पास। इसके लिए हमको पूरा ग्लेशियर के ऊपर से चलना पड़ता है। ऑलरेडी सांस फूल गया है गाइस, पहले फर्स्ट 1 आवर में। सुजय देखो हालत खराब, एंड
एवरीडे नया लैंडस्केप देख रहे हैं. कल पूरा रॉकी लैंडस्केप, ग्लेशियर, आज स्नो स्नो ऑल अराउंड स्नो. चोलापास क्रॉस करेंगे थोड़ी देर में. दैट इज द पास. एंड हम लोग का टीम आ चुका है यहाँ पे. वी ऑलमोस्ट मोर देन 5000 मीटर अबव सी लेवल. गाइस चोला पास यहाँ से स्टार्ट होगा अभी. यहाँ से इतना इजी लग रहा है दिखने में. It's too difficult, guys. चल गया. आओ बैग रखो. ओ गाइड साहब कितना चलाओगे? सुबह 7 बजे से ना रोटी मिला ना पानी मिला. जाए रहे, रास्ता दिखाओ. रोने का मन कर रहा है. सेल रोटी का याद आ रहा है. नौसे का दो आलू खिलाया सिर्फ. वो तो जाने बित्ती के केएफसी खाचु. हंसने का मन कर रहा है, कभी रोने का मन कर रहा है. राख्नु नि साइडमा. ए हो ए यहाँ दुईजनाकै यहाँ राख्दा भयो नि. गुड मर्निङ गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. यु गाइज आर वाचिङ कु ब्लग्स. गाइस आज समिट डे और हम सुबह सुबह निकले हैं समिट के लिए. रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. सूर्य इज हियर बीने और एज यू कैन सी द माउंटेन्स गाइस, बहुत सुंदर सुंदर दिख रहा है. Guys, we did it. Welcome to Everest Base.
for me to walk, guys. हम दोनों निकल दिखाया गाइस, ये प्लान ना सुजय का था। यस, फाइनली हामी आइपुग्यो। थैंक यू सो मच। वी डिड इट। कस्तो फिल हुँदैछ? एकदम दामी। Yes. Emotional. Kind of. Big salute to Binay. Chappal mein Everest base camp kar dikhaya. Thoda upar karo pant. Hi. Guys, chappal mein Everest base camp kar dikhaya. Clap, clap, clap for him. Clap, clap, clap. Ta-da-da! Ta-da! और इसी के साथ हम लोग का एवरेस्ट बेस कैंप ट्रिप खत्म हो गया है गाइस, विद बिटर स्वीट मोमेंट्स। आई हैव टू से 2024 का मेरा बेस्ट गिफ्ट है ये, एंड थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग ने इस जर्नी में इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। एंड अपकमिंग डेज में बहुत ज़्यादा बहुत और भी एडवेंचर्स आने वाला है। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।